मैडम आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मेरा नाम निशा वर्मा है, मैं किसान मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। किसान मंच वीपी सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम आगे चला रहे हैं, जो सही मायने में किसानों के लिए ज़मीनी तौर पर काम करता है। और हमारा मानना है कि धरना प्रदर्शन के साथ साथ, क्योंकि हमें सरकार को जगाना है किसानों की परिस्थिति को बदलने के लिए, जो हालात हैं उनको बदलने के लिए, तो हमारा मानना है कि उन्हें हम पुराने तौर तरीके जो जैविक खेती हमारी होती थी उससे अवगत कराएं, उनको थोड़ा ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो उससे ऑर्गेनिक, आप समझ सकते हैं कि आजकल ऑर्गेनिक का कितना जोर है। नॉर्मल जो जनता है वो चाहती है एक अच्छा खाना जिसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड ना हो, कोई केमिकल ना हो, तो उसके लिए भी हम जोर देते हैं। हमने सिक्किम को पूरी तरह से, आप देख सकते हैं नेट पे भी, 100% ऑर्गेनिक कर दिया है। पिछले 15 सालों से हम वहाँ काम कर रहे हैं सिक्किम में, और वो 100% ऑर्गेनिक हो गया है। नवलगढ़ में हमारा एक रिसर्च सेंटर है जिसमें कमल मुरारका जी उसको आगे चलाते हैं, पूरी देख रेख में उनके चलता है। पूरा रिसर्च सेंटर है जहाँ पर हर साल हम लोग किसानों को पूरे देश में से लेकर जाते हैं। किसान जो हैं वो अपने दूध को, सब्जियों को रोड पे बखेर रहे हैं, फैला रहे हैं, क्या कारण है इनका? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते जो किसान नेता है कि हम इस तरह से करें। हम उन्हें ये कहते हैं कि दूध बिखेरने की जगह आप किसी गरीब को पिला दें, लेकिन वो इतने ज़्यादा अंदर से परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ किसान भाई जो है, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन के भाई किसान कैसे सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाए। आपने देखा होगा पिछली बार जो हमारा प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर में, वहाँ हमारे कुछ किसान भाई जो केरल से आए थे वो यहाँ तक मजबूर हो गए थे कि उनको अपना ही पेशाब पीना पड़ा था ताकि जनता की आवाज़, गरीब किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि किसी मायने में सरकार टस्से मस नहीं हो रही है, सिर्फ वादे वादे वादे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, किसी एक का नाम नहीं है, लेकिन अगर इस परिस्थिति को किसी सरकार ने नहीं समझा तो आने वाले समय में जो आज हम 200 रुपये किलो दाल खा रहे हैं आम जनता, वो आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि हमको हर चीज़ बाहर से मंगाना पड़ेगा। और हमारे किसान धीरे धीरे खेतीबाड़ी छोड़ के फ्रस्ट्रेट होके वो अपनी जीविका के लिए कोई और साधन ढूंढ लेंगे। लेकिन निशा जी, अब जब ये बात आती है, एक तरफ जब जो मुस्लिम है या जो पाकिस्तान है उसको आप ना बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं, उसके बाद वहाँ से दुश्मन मानने के बावजूद फिर वहाँ से आप चीनी निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, और पाकिस्तान की चीनी को आप भारतवर्ष के अंदर खिलाई जाती है, जो भारत की चीनी है वो भारत इम्पोर्ट होती है और किसान उसका मुआवजा नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, सही मायने में यही तो परेशानी है। किसान जो अभी आंदोलन जो शुरू हुए हैं, ये इसी वजह से शुरू हो रहे हैं कि हमारे देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और आप महंगे रेट पे चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, जबकि हमारे देश में इतनी चीनी जो स्टोरेज पे, अभी अब कल का ही मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। आज़ादपुर मंडी में कल ही किसान ने टमाटर उगाए, जयपुर का एक किसान था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रक का पैसा दे पाए, तो जब उसने वहाँ पे अपना न्यूनतम मूल्य तय करा तो उसको पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो भरा हुआ ट्रक वहीं रोड पे छोड़ के भाग गया, सिर्फ इस मजबूरी में रोते हुए कि मैं इस ट्रक के पैसे कैसे दूँ। जो मैंने खेती उगाई, टमाटर की खेती आपको पता है बहुत मुश्किल से होती है, उसके बावजूद उसको उसका मूल्य, जो उसका लागत मूल्य, वही उसको नहीं मिल रहा है, तो वो तो इस तरह से परेशान होकर दूध भी पानी में बहाएगा और आत्महत्या। आप देखिए, हर रोज़ एक किसान आत्महत्या कर रहा है, तो ये सरकार की नीति हमें भी समझ नहीं आ रही है कि क्यों अपने किसानों को दबाया जा रहा है और बाहर से वही चीज़ें बाहर से ज़्यादा पैसे दे के खरीदी जा रही है। ये बात से हम लोग खुद किसान लोग बहुत दुखी हैं कि ऐसा क्यों सरकार कर रही है कि अपने ही किसानों को सही मूल्य नहीं दे पा रहे। किसान जब अपनी मांग करते हैं तो उनको डराया जाता, धमकाया जाता, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर गोली चलाई गई, कई जगह किसानों को पिटाई की गई, तो इस देश के अंदर पूरे इस समय इतना हालत बदतर है, तो कि मतलब दलितों के लिए, किसानों के लिए जब नेता जीत कर आते हैं कि हम दलितों के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, जब ये पूरी फॉर्म में आ जाते हैं फिर इनको कोई नज़र नहीं आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप इनके मैनिफेस्टो अगर आप उठा के देखें तो उसमें किसान की ही नीतियाँ भरी पड़ी हैं कि हम किसानों के लिए इस तरह से किया जाएगा, इस तरह से। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, इन 4 सालों में कुछ भी आप देखें और बदतर हालात हो गए हैं किसानों के। हमारे
हमारे करीब 16,000 के आसपास हमारे किसान नागपुर से चले थे, अगर आपने देखा हो मार्च में 16,000 किसान चले थे, जो कि मुंबई तक पहुँचते पहुँचते 30,000 किसान बढ़ गए वहाँ पर। तो ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी कोई पीछे से इनको सपोर्ट करे, लेकिन ये अंदर से किसान इतना दुखी हो गया है कि वो अपना खाना, अपना घर, अपना परिवार छोड़ के इन आंदोलनों से जुड़ने लगा है, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि अगर अब मैंने कुछ स्टेप नहीं लिया, अब मैं आगे घर से बाहर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया, तो मेरे घर को, मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए सारे किसान, मिश्रा जी आप एक महिला हैं और महिला और किसानों का नेतृत्व कर रही हैं, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, या आपने खेतीबाड़ी का कुछ काम करा है? जी जी, मैंने खेतीबाड़ी खुद अपने हाथों से तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से करी है, लेकिन बचपन से मैं एक किसान की बेटी रही हूँ और मेरे जो पिताजी थे वो किसान प्रधान थे, तो प्रधान होने के नाते उनके पास इतनी समस्याएं मैं आती हुई देखती थी बचपन में कि वो उन समस्याओं का हल कर रहे हैं, लेकिन पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो समस्याएं हल करनी आसान रहा करती थी कि चलिए इस मार्केट में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा सा आगे और शहर की तरफ जाएं, शहर में शायद हमें अच्छा पैसा मिले। तो हमने वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ मेरे पिताजी ने लगाई थी, जिन गाड़ियों से हम सारा खेती का जो खेती होती थी उस सामान को हम बाहर मंडियों में ले जाके बेचते थे गाँव से बाहर, ताकि हमारे किसानों को अच्छा रेट मिल पाए। तो वो सब मैंने बचपन से देखा है, और बहुत सारी ज़मीन मेरे पिताजी ने, आज मेरे पिताजी किराए के मकान में रहते हैं और मकान में जी खेती बाड़ी करते हुए यहाँ। हाँ जी, और पहले जब मैंने बचपन में देखा तो हमारी हवेली हुआ करती थी और खेत थे हमारे, और इतने सारे खेत थे कि हमें खुद भी, हम दौड़ जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ तक खेत थे। पर आज ये हालात है कि वो मजबूर हो गए हैं कि एक किराए के मकान में वो रहें, क्योंकि जो किसानी है, पहले समय में किसान एक अच्छा रोज़गार माना जाता था, आज कोई किसानी करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अपने दो भाई हैं जो कि कहते हैं कि हम चाहे हम 15,000 की नौकरी कर लेंगे लेकिन किसानी नहीं करेंगे। तो आप सोचिए अगर इसी तरह से हर इंसान किसानी छोड़ता जाएगा तो आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा, क्योंकि किसान, ये हमारा जो भारत देश है ये किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान हम इसको कहा कहते हैं। तो अगर वही नहीं रहेगा तो आगे तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हमको खाने को भी सही तरीके से मिल पाएगा। अभी आप देखिए, हमने पिछले साल एक रिसर्च कराई थी जिसमें ये माना गया था कि जो माँ का दूध होता है वो सबसे प्योर होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, लेकिन आप यकीन करेंगे कि उसमें भी मिलावट पाई गई है, उस रिसर्च माँ के दूध में मिलावट पाई गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ क्या खा रही है, वो जहरीली सब्जियाँ खा रही है आजकल जो यूरिया डाल के बनाया जाती है, तो उसके दूध को भी अब हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि वो भी पूरा साफ है, पिलाने लायक है। इसलिए मेरी तो यही आप लोग सबसे गुजारिश है कि जितने भी पढ़े लिखे बच्चे आजकल के कॉलेज और स्कूल के हैं वो प्लीज़ आगे आएँ और आगे आके जो हमारी ये समस्या है किसानों की उनको आगे सपोर्ट करें, ताकि आने वाला भविष्य में उनको सही चीज़ खाने को मिल पाए, और किसान जो उनको सही मायने में जीवन दे रहा है उस किसान को अपना मूल्य मिल पाए। तीन डिमांड हम हमेशा से करते आए हैं सारी सरकारों के साथ में, जो हमारी मुख्य डिमांड है, जो हमें मार्च में भी कहा गया था कि पूरी होगी, मेन जो उनकी भूमि पे जो लोग काम करते हैं वो भूमि उनको मिले, उनका पूरा मालकाना हक उनको मिले, एक उनका जो जो भी वो फसल उगाते हैं उस फसल का डेढ़ गुना उनको मिल जाए, जो लागत मूल्य उसका डेढ़ गुना सिर्फ वो मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, वो उनको मिल जाए। दूसरा, जो इन्होंने अभी कर्ज माफ़ी बोला था योगी सरकार ने भी और मोदी जी ने भी कि कर्ज माफ़ी होगी, हमारे पास, मैंने खुद अपनी आंखों से गरीबों को देखा है, उनके पास एक एक डेढ़ डेढ़ रुपए के चेक आए, आप सोचिए कर्ज माफ़ी के तो डेढ़ रुपए में तो कुछ छल कपट हो रहा है। तो ये जो उनका मुआवजा है ये उनको मिल जाए, बस ये तीन डिमांड है। 2019 का चुनाव सिर पर है जी, मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 के अंदर हम आपका जो रेट है दूना कर देंगे, मालकाना हक जो है हम आपको पूर्ण रूप से दे देंगे, तो इसमें आप क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान शुरुआत से छला जा रहा है, उसको सिर्फ छल रही है सरकार और कुछ नहीं। जो चीज़ 4 सालों में नहीं हुई मुझे नहीं लगता कि वो 2019 या 22 के हमारे आने वाले समय में का सरकार कर पाए। क्या आप चाहते हैं कि 2019 के अंदर या 2022 के अंदर ये सरकार रिपीट होगी?
देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना भी किसान है, किसान वर्ग सब अपने आप को छला हुआ इस समय महसूस कर रहा है। उसके साथ जितने भी वादे किए गए वो सब इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, हर बार उसको छला गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार रिपीट हो पाएगी। बाकी आने वाली सरकारों से उम्मीद है कि वो कुछ किसानों के बारे में जो हमारी कम से कम 3 डिमांड है एटलीस्ट इनको माना जाए, ताकि किसानों को सिर्फ वो ये नहीं कहते हमें बहुत राशि में रहा जाए, लेकिन उनकी जो दिन भर की जो उनकी बजट, जो उनका घर का बजट है, बच्चों को खाने को मिल पाए, पीने को मिल पाए, वो अपने स्कूलों की फ़ीस दे पाए, बस इतना हम चाहते हैं।